ऑटोमेटिक गाड़ी रुक जाता, मुझे पार होने का हिम्मत नहीं हुआ, हम आगे बढ़े, फिर रोके और फिर अपना जगह पर अपना परिवार से मिलके, यहाँ परिवार के झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार के की तरह है, और हम लोग हम आकर के यहाँ मिले, बहुत खुशी की बात है। यहाँ सीनियर मेरे बैठे हुए हैं, हिदायत भाई हैं, प्रमोद लाल जी हैं जो मेरे अब्बा के साथी रह चुके हैं, बदरुद्दीन शेख साहब के यहाँ से हम लोग आ रहे हैं अभी, और थोड़ा सा इधर हम लोग जा रहे थे बिष्टुपुर तरफ, तो एकाएक मेरा नज़र ऑफिस पर पड़ा, मैंने गाड़ी रुकवा करके यहाँ आने का काम किया। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सभ्यता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता रहे या नेता रहे, ये गुण है कि अपनों को जहाँ भी देखते हैं वो उनके लिए रुक जाते हैं, उनसे मिल करके ही आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी सरकार में बन्ना जी के लिए थोड़ा सा कठिनाइयाँ आ रही है, उसको थोड़ा बता दें। नो कॉमेंट्स। मंत्री जी, आपके आने से कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश, क्योंकि मंत्री लोग जब आते हैं स्थानीय कार्यालय में तो उनका एक अलग भाव होता है और वो जोश से भर जाते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जी जी। और जब आप लोग बैठते हैं उस कुर्सी पे जहाँ पे हम आम कार्यकर्ता बैठते हैं, और जब फिर विधानसभा और मंत्रालय में आपको देखते हैं, तो अपने आप को आपसे बराबर के अवलोकन करते हैं, तो उसके लिए क्या बराबर आपको इस तरह से सबों को कहना चाहिए कि कार्यालयों में जाना चाहिए जैसे आप आए? सब आप यहाँ चंपा सोरेन जी जो यहाँ के गार्जियन है एक तरह से, उनका आप नेचर देखिए, जहाँ बोलिएगा वहीं रुक जाते हैं, और उनके क्षेत्र में आए हैं, यहाँ मंगल कालंदी है, संजीव सरदार है, रामदास सोरेन है, समीर मोहंती हैं, सविता मुक्तो हैं, सारे लोग हम लोग अपना परिवार के तरह हैं, और हम लोग में सीनियरिटी मंत्री वैल्यू नहीं दे को वैल्यू नहीं है, सीनियरिटी को वैल्यू, हम मंत्री हैं लेकिन हम अभी इनसे हम छोटे हैं पार्टी जी, ये हम लोग का आचरण है, ये हम लोग का पार्टी का शिष्टाचार है कि अपने से बड़े चाहे वो कुछ हैं पद में या नहीं हैं, वो लोग उस हिसाब से चलते हैं। आज भी हेमंत बाबू मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद भी जब भी अगर चंपा बाबू वहाँ पहुँच गए तो उठ के उनको प्रणाम करते हैं, स्टेफन बाबू को प्रणाम करते हैं, आप देखे होंगे जी जी। तो मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मंत्री अपना जगह है लेकिन पार्टी के लिए मैं छोटा हूँ, और पार्टी को इतना दूर तक पहुँचाने में जिन लोगों क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं उन्हीं की बदौलत आज अगर मैं मंत्री हूँ, तो पूर्वजों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, जो मेहनत किया, चाहे मेरे वालिद साहब रहे हाजी साहब, चाहे सुनील मोहतो रहे, निर्मल मोहतो रहे, सुधीर मोहतो जी रहे, सबों का बहुत बड़ा देन है कि झारखंड आंदोलन और ये जो कोल्हान क्षेत्र है, ये यहाँ से और संथाल परगना क्षेत्र से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, यहाँ जुझारूपन है इस मिट्टी में, तो इस मिट्टी को सलाम करते हैं। और जब भी मैं आऊँगा, जहाँ जिधर भी जाता हूँ, आज तो एक निजी प्रोग्राम में, मदरसा के प्रोग्राम में आए थे, नहीं तो और आदमी रहते जी, और जल्दी लौटना था लेकिन और मिलते मिलते देर हो गया, और हम लोग का ये खून में है कि अपनों को बड़े की इज्जत देना और सबको लेकर जाना। मंत्री जी, लास्ट नोट कि युवा कार्यकर्ताओं को और JMM से जुड़े हुए जितने लोग हैं, यूथ ब्रिगेड, उन सबों को आज आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उसी के आइकॉन हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, फल आपको मिलेगा। आज हम अगर मंत्री बने हैं तो ये मेरा वालिद साहब का मेहनत का फल मुझे मिला, तो आप मेहनत कीजिए, जमीन फोकस, बाजी झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं चलता, आप मेहनत कीजिए, पार्टी को के नज़र में आप आ जाइएगा, पार्टी नज़र सब पर रखती है कि कौन कार्यकर्ता कितना काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मैं नौजवानों से भी कहता हूँ कि आप पार्टी के लिए, गरीब गुरबाओं के लिए मेहनत कीजिए, मदद कीजिए,
समाज को मदद कीजिए, कहीं अगर समाज के कोई लोग कहीं फंसे हुए हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो उनको आप मदद कीजिए। और युवा से आह्वान है कि आप अगर लड़का हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप पढ़ने में भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, राजनीतिक भी करिए, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।